चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में सड़कों का जाल फैला। सेवा समर्पण के 3 साल में देखिए प्रदेश में सुगम यातायात पर आधारित ये रिपोर्ट। प्रदेश की रफ्तार तय करती हैं उसकी सड़कें, और मध्य प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने चारों कार्यालयों में प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। न केवल सड़कों के निर्माण, बाकी उनके रखरखाव का काम भी तेजी से हुआ। ये जुड़ रहा है भारत सड़कों से, शानदार सड़क कनेक्टिविटी एक ही दिन में भोपाल से लेके कानपुर जोड़ने आए हैं तो नितिन गडकरी भी आए हैं। सुगम यातायात जनता को मिले, इसे सरकार ने अपनी प्राथमिकता समझा और तेजी से इस पर काम किया गया। प्रदेश सरकार का लक्ष्य सड़कों का जाल फैलाना और सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिवराज सिंह चौहान संकल्पित हैं। झांसी टीकमगढ़ और चाहते हुए अगर जोड़ने आए हैं तो नितिन गडकरी जी आए हैं। टीकमगढ़ से दमोह जोड़ने अगर आए हैं तो नितिन गडकरी आए हैं। शिवराज में आत्मनिर्भरता की सड़कें। प्रदेश के 5 बड़े शहर में रिंग रोड का निर्माण, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर। सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रित करने प्रयोग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रयोग। सड़कों का चौड़करण, ज्योमेट्रिक विजन साइन बोर्ड। टोल नाकों पर उपचार की सुविधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8,853 किलोमीटर, जिला मार्ग 23,401 किलोमीटर के साथ प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई 70,956 किलोमीटर है। बीते 4 सालों में 23,394 करोड़ रुपए की लागत से 10,195 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण हुआ है। अभी 5,022 करोड़ रुपए की लागत से 789 बड़े और छोटे पुल के साथ रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाई ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश की जनता को सुगम यातायात के साथ विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए सड़कें जरूरी हैं। प्रदेश में सड़कों के जाल को बिछाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुगम यातायात तो दिया ही है, साथ ही सफर में लगने वाले समय को भी कम किया है, जिससे प्रदेश की जनता खुश है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दे रही है।